ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार की सियासी राजनीति में शाहाबाद में सतरंजी राजनीति देखने को मिल रहा है। समाज के उत्थान में हर पल अग्रसर रहने वाले डॉक्टर कृष्ण कबीर ने भी नोखा विधानसभा से लोजपा से हुंकार भरा है। विकास के दौर से अछूता नोखा विधानसभा में कई समस्याओं के समाधान करने के लिए बरसों से लगे रहे हैं कृष्ण कबीर। समस्याओं से जूझता नोखा के युवा वर्ग को खेल से शिक्षा, अस्पताल से किसान तक की समस्याओं को विधानसभा में उठाने के लिए अब की बार जनता के बीच उपस्थित हैं। हमारे रोहतास संवाददाता पीके मिश्रा ने उनसे खास बातचीत किया, क्या कहा है उन्होंने आप भी सुने। नोखा विधानसभा से आप लोजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मुख्य मुद्दा नोखा विधानसभा के लिए क्या होगा? नोखा विधानसभा के लिए मेरे दिमाग में बहुत रूपरेखाएं तैयार हैं, जिसमें सबसे पहला प्रायोरिटी है कि कैसे नोखा में उद्योग धंधों को वापस पनपाया जा सके, कैसे यहाँ की जो बंद राइस मिले हैं उनको फिर से चालू कराया जा सके। युवाओं के लिए मेरे दिमाग में एक चीज़ कई दिनों से है कि मैं रोज़ रोड के किनारे देखता हूँ कि कई लड़के दौड़ रहे हैं, यहाँ पे ना कोई स्टेडियम की व्यवस्था है, ना खेलने कूदने के लिए कोई ट्रैक बना हुआ है, दौड़ने के लिए ट्रैक नहीं बना हुआ है, ना कोई इंडोर स्टेडियम ना आउटडोर स्टेडियम। आखिर ये देश युवाओं का देश है, आगे आने वाली पीढ़ी युवाओं की पीढ़ी है और युवा ही सबका झंडा ढोते हैं, युवा ही नारेबाजी करते हैं, युवा ही लाइन लगकर घंटों वोट देते हैं और युवाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो इसलिए एक स्टेडियम, जिम और रनिंग ट्रैक इस सब की व्यवस्था के अलावा लाइब्रेरी के बारे में मैं सोच रहा हूँ कि जगह जगह यहाँ लाइब्रेरी बनवाया जाए। इसके अलावा नोखा में पर्यटन को कैसे विकसित किया जाए, आखिर नोखा देश के परिदृश्य में, देश के नक्शे पे अगर किसी तरह से आता है तो उसके लिए मैं भरपूर प्रयत्न करूँगा। इसके अलावा जो छोटे स्थानीय मुद्दे हैं उनको देखना है, जैसे नली गली नहीं बनी है, अभी भी कई मार्ग मुख्य सड़कों से नहीं जुड़े हुए हैं, अभी जैसे कई रोष है लोगों के बीच में कि यहाँ पे सड़क नहीं बनी, आधी बन के छोड़ दी गई है, नक्शा पास हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ। इन सारी समस्याओं को के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा और हर तरह के युवा, बुज़ुर्ग, विधवा, जो बच्चे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए, अब ख़ास तौर से स्वास्थ्य सुविधाओं पे मेरा पूरा ध्यान इसलिए रहेगा क्योंकि मैं खुद डॉक्टर रहा हूँ और इस फील्ड से आता हूँ, तो यहाँ के लोगों को चिकित्सा संबंधी चीज़ों के लिए दूसरी जगह ना जाना पड़े, उनको बनारस, दिल्ली वगैरह का ना जाना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सा सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए मैं प्रयत्नशील रहूँगा। बिहार में लोजपा अगर अच्छी सीट से लाती है तो क्या भाजपा के साथ मिल करके आपकी पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल निश्चित, हम लोगों ने पहले ही ये घोषणा कर दिया है कि हम जितनी भी सीटें जीतें हम भाजपा और भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बनाएंगे, यानी भाजपा लोजपा की सरकार बनेगी। आपके क्षेत्र में वर्तमान विधायक की जगह जगह लोग विरोध कर रहे हैं, उनके क्रियाकलापों को लेकर के जनता जो है उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने 5 साल में क्या किया? नहीं, ये जनता का ये हक बनता है, आखिर जनता ने अपना तन मन धन दिया, समर्थन दिया है, उनको कुछ आशा और विश्वास के साथ जीत दर्ज कराई है, तो उनकी भी कुछ, जनता की भी अपेक्षाएं रहती हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। अगर जनता को लगता है कि माननीय विधायक या विधायिका पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे हैं तो उनका उनका यह हक बनता है कि रोष जताएं। आप भी इस क्षेत्र के लिए अभी नए हैं तो जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, एक चीज़ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा कोई नया रिश्ता नहीं है, पिताजी मेरे पूर्व सांसद राम अवधेश सिंह यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं एज ए सांसद, लेकिन मैं एज ए विधायक चुनाव लड़ रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि पढ़ा लिखा होने की वजह से, डॉक्टर होने की वजह से मैं यह विश्वास दिला सकता हूँ कि चीज़ों को समझने की क्षमता मेरे में बेहतर है और जो जनता के साथ सामंजस्य होगा उसके अनुसार ही मुझे काम करना है। जो जनता बोलेगी, जो उनकी समस्या है, जो उनके जो रूपरेखा तैयार करेंगे, मुझे उनके हिसाब से ही काम को करना है।
देखिए, नोखा विधानसभा में सबसे बड़ी मुद्दा जो इस समय बन रही है वो राइस मिल को लेकर के है। जी, ये मैं कई जगह पे, कई मीटिंग में, कई भाषणों में मैं इस मुद्दे को उठा चुका हूँ और मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें ये एक मुद्दा भी प्रमुख है कि राइस मिल का किस तरह से पुनर्जीवन दिया जा सके। अगर यहाँ की जनता आपको जिता करके विधानसभा भेजती है तो राइस मिल को लेकर के आपके प्लान क्या होगा? राइस मिलों में जो सरकार की जो भी उपेक्षा रही है, जिसकी वजह से राइस मिलों की आज ये दुर्दशा हो रखी है, ना सरकार से समर्थन, ना बैंकों से समर्थन, ना ही और कहीं कई जगह पैक्स की भी त्रुटियां सामने आई हैं, तो किसी भी